हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक एप्लीकेशन के साइज को कम कैसे किया जाए। आप सभी को पता है कि अगर आपके एप्लीकेशन का साइज ज़्यादा है तो यूज़र्स के पास बहुत ऑप्शन है आजकल प्ले स्टोर पे। एक आपका ही एप्लीकेशन नहीं है कि वो आपके एप्लीकेशन के पीछे पड़े रहेंगे। आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में अगर एक यूज़र को समय लग रहा है तो वो माइग्रेट हो जाएगा, किसी दूसरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा जो आपके एप्लीकेशन का अल्टरनेट होगा। ठीक है, सबके पास आजकल ऑप्शन हो चुका है। देखिए, अमेज़ॉन भी कहता है, अमेज़ॉन कितनी बड़ी कंपनी है पर फिर भी वो कहता है कि अगर उसकी वेबसाइट लोड लेने में सिर्फ एक सेकेंड भी लेट हो जाए तो लगभग उसके 1-10% के बीच में कस्टमर्स छोड़ देते हैं उस वेबसाइट को। और ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी वेबसाइट पे हम जा रहे हैं जो हमारे मतलब की चीज़ वहाँ पे हमें मिलती है, फिर वो चाहे न्यूज़ हो, प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, उस वेबसाइट को लोड लेने में अगर टाइम लग रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग किसी दूसरे वेबसाइट पे माइग्रेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम होती है एप्लीकेशन के साथ भी, और ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, सबके साथ होती है। अगर आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में ज़्यादा समय लग रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि यूज़र आपके एप्लीकेशन को छोड़ के किसी अदर एप्लीकेशन पे माइग्रेट हो जाए, किसी अदर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा जो आपके एप्लीकेशन का अल्टरनेट होगा। अब इस बड़ी समस्या को या फिर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग में 3 टिप्स दूंगा आज इस वीडियो में जो बिल्कुल पॉसिबल है। आप चाहो तो ये डेवलपर को कह के करवा के कर सकते हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, सबसे पहली बात, जब आप, क्योंकि आप टेक्निकल नहीं हो तो आपको नहीं पता होगा कि कैसे कम किया जाए साइज। ठीक है, अगर आप टेक्निकल नहीं हो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक चीज़ पता होगी कि प्ले स्टोर पे एक ऑप्शन दिया रहता है कि आप, अगर आपका 100 MB का है या फिर 1 GB तक की आपकी एप्लीकेशन है तो APK बंडल आप डाल दीजिए प्ले कंसोल पे, और वहाँ से क्या होगा, थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ आपको, टेक्निकली समझ में नहीं आएगा, मैं अच्छे समझाता हूँ। होगा क्या कि आपका, समझ के चलिए कि 1 GB का फाइल, 100 MB का आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, तो होता क्या है कि APK बंडल अगर आपने पूरा डाल दिया तो 10 MB ही दिखाएगा प्ले स्टोर पे। 10 MB डाउनलोड करने के बाद बाकी के जो फाइल्स रहते हैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड होती है। ठीक है, जैसे PUBG में देख लीजिए, कुछ उनके टूल्स वगैरह जो रहते हैं एप्लीकेशन या फिर गेम डाउनलोड होने के बाद आपको उसके अंदर वो जो दिखता है ना लोड ले रहा है तब तक वो डाउनलोड हो जाता है। ये थोड़ा टेक्निकली वो लोग समझते हैं इन चीज़ों को कि ज़्यादा बड़ा फाइल होगा तो पब्लिक डाउनलोड करेगी नहीं। ठीक है, वैसे ये मतलब, खैर ये तो बेसिक आप ये जानते होंगे, लेकिन मैं और अंदर की बात बता रहा हूँ जो आप और जिससे फाइल की साइज़ कम कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप टेक्निकल नहीं हो तो ये डेवलपर को बोल के करवा सकते हो। सबसे फर्स्ट टिप, आपको क्या करना है, एप्लीकेशन आपने जहाँ से बनवाया है उनको ये बोलना है कि इस कोड के अंदर जो अनयूज्ड कोड है, जो कमेंट किया हुआ है, ठीक है, या फिर जो अनयूज्ड लाइब्रेरीज, अनयूज्ड क्लासेस इसमें जो लगाए गए हैं वो प्लीज़ इसको रिमूव कर दीजिए। होता क्या, मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी डेवलपर्स क्या करते हैं जब कोडिंग करते हैं तो कुछ कोड्स को कमेंट कर देते हैं, कमेंट मतलब कुछ कोड लिखे तो रहते हैं उसमें पर उसका यूज़ नहीं होता है। ठीक है, कुछ अनयूज्ड क्लासेस बना देते हैं, जावा के क्लासेस रहते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, ऐसा भी रहता है। कुछ एक आध दो ऐसी लाइब्रेरीज होती है जिनका यूज़ नहीं होता बट स्टिल वो आपकी एप्लीकेशन में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को पहले आपको डेवलपर को बोल के ख़त्म कर देना है, मतलब उनको समझाना है कि भाई जो अनयूज्ड कोड है, जो अनयूज्ड लाइब्रेरी या फिर अनयूज्ड क्लासेस जो है उनको आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ताकि मेरा जो एप्लीकेशन है वो क्लीन रहे और उससे क्या होता है साइज़ कम हो जाती है आपके एप्लीकेशन की। ठीक है, फर्स्ट आपको ये करना है। सेकेंड, आपको आपके एप्लीकेशन के अंदर जो इमेजेस यूज़ की गई हैं, आपको पता ही होगा आपके एप्लीकेशन के अंदर वो जो होम बटन रहता है, सर्च बार रहता है, इन सभी की इमेजेस यूज़ की जाती है, हालांकि वेक्टर्स यूज़ होते हैं। कुछ डेवलपर्स क्या करते हैं, यूआई डिज़ाइन मतलब ना करना पड़े उन सब चीज़ों का, तो वो इमेज ही सीधा डाउनलोड कर लेते हैं कहीं कहीं, मतलब आपने कुछ फंक्शंस बताए होंगे जहाँ पे इमेज की जरूरत पड़ेगी, जैसे प्रोफाइल बटन पे वो एक विदाउट प्रोफाइल वाला जो इमेज रहता है वो इमेज को डाउनलोड वो गूगल से करके सीधा डाल देंगे PNG फॉर्मेट में, वहाँ पे साइजेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको डेवलपर को समझाना है कि जो मेरे इमेजेस हैं उसका या तो आप एक वेक्टर यूज़ कर लो या फिर उसके लिए आप कोडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर कलर्स ज़्यादा यूज़ करो, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, इससे आपके एप्लीकेशन की साइज कम होगी क्योंकि इमेजेस कम दिखेंगे वहां पे तो साइज कम होगी। तीसरा स्ट्रॉन्ग टिप्स है, आपका जो इमेज है, अब एग्जांपल के तौर पे अगर आपने नीचे सर्च बटन दिया हुआ है, ऊपर भी आपका सर्च बटन है, तो दोनों को अलग अलग ना करें, ऊपर वाला कलर में नीचे वाला सी सादा वैसा ना करें, एक ही इमेज को अगर रियूज करना है तो एक इमेज को बार बार रियूज कर लें वो चलेगा। ठीक है, इमेज तो एक ही है ना, अब उसी को हमने 10 जगह यूज कर लिया, उससे क्या होता है, उससे भी आपके एप्लीकेशन की साइज कम होती है। ठीक है, तो इतना याद रखो, जब भी आप
डेवलपर से बात करो, उनको बोलो एक तो इमेजेस उसमें कम यूज़ करें, और अगर इमेजेस यूज़ कर रहे हो, इमेजेस नहीं वेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं तो इमेजेस तो यूज़ ही ना करें, उनको सीधा बोल दो। दूसरा वेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं अगर वो, तो उसको रीयूज़ करें। अगर एक मतलब ऐसा ना हो कि एक ही अगर होम बटन है उसको अगर कहीं और भी दिखाना है किसी अदर एक्टिविटी में भी, तो उसके लिए मतलब उनको दूसरा ड्रॉ करना पड़े, मतलब या दूसरा वेक्टर लगाया हो या फिर दूसरा उन्होंने वहाँ पे पीएनजी कुछ डाल दिया हो, वैसा ना करें। एक ही चीज़ को मतलब बार बार अगर कहीं यूज़ हो रहा है तो उस एक ही वेक्टर को वो यूज़ करें बार बार, ठीक है। उससे आपके एप्लीकेशन की जो साइज़ रहती है वो कम हो जाती है, और जब आप प्ले स्टोर पर डालोगे, जो जब ये मैंने आपको बताया ना इतना करने के बाद बहुत कम, अगर समझ लो 10 MB का अगर आपका एप्लीकेशन है एटलीस्ट, तो 2-3 MB तो कम हो ही जाएंगी, 7 MB 6 MB तक आपका आ जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है। 7 MB 6 MB आने का मतलब आपने कम से कम 2-3% या फिर 5% तक यूज़र आपने अपने एप्लीकेशन पे ऐसे ही बढ़ा लिए। अगर आपके एप्लीकेशन पे 1000 यूज़र्स हैं तो कम से कम बहुत कम तो 50 यूज़र तो बढ़ ही जाएंगे, ठीक है, 1 से लेकर 50 के बीच में आपके यूज़र बढ़ जाएंगे। लेकिन वो 50 यूज़र भी कितना आजकल तो एक एक यूज़र भी बहुत मायने रखता है दोस्त। अगर आप प्ले स्टोर पे भी जो आपका एप्लीकेशन रहता है उसको जब आप प्रमोट करने जाओगे तो 18 रुपीज़ तक का हाईएस्ट बिड रहता है, हालांकि अभी बढ़ गया होगा मैंने चेक नहीं किया, बट 18 रुपीज़ पर इंस्टॉल का आप दे सकते हो। सोचो कितना मतलब आजकल एप्लीकेशन क्रेज बढ़ा हुआ है, एक एक यूज़र बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो यूज़र अगर आपके एप्लीकेशन पे आ गया उसको पसंद आया तो वो यूज़ करेगा, और डेली का वो यूज़र आपको अर्न करके देगा डेली का, क्योंकि एड्स शो कर रहे हो या फिर आपने कुछ प्रीमियम लगा के रखा है वहाँ पे सब्सक्रिप्शन पैक, तो कितना फायदा होता है, यूजर्स का बहुत फायदा रहता है एप्लीकेशन पे। और एक यूज़र मिस करना मतलब आपने महीने की मतलब समझ के लिए अच्छी खासी अर्निंग आपने मिस कर दी, ठीक है। तो वैसा करना नहीं है, जिन चीज़ों को मैंने आपको बताया है इन चीज़ों को फॉलो करना है, और अपने डेवलपर से इसी तरीके से बात करनी है आपको। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें बताता हूँ आपको मेरे चैनल पर जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं अगर आप एप्लीकेशन बनवाते हो, तो फिर वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, मैं कॉस्ट को लेके भी रिड्यूस कॉस्ट को लेके भी बहुत अच्छे अच्छे मैंने वीडियोस बनाए हैं, प्लीज़ आप वो भी वॉच कीजिएगा। तो मेरे कहने का मेरा मतलब अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।